नमस्कार, लाइव खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सदर अस्पताल ट्रामा सेंटर की इमरजेंसी वार्ड में देर रात मामूली कहासुनी के चलते दो संविदा कर्मचारी आपस में भिड़ गए, जिनके बीच जमकर लात घूंसे चले। इसकी वजह से घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं मौके पर मौजूद स्टाफ ने दोनों कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत के बाद शांत करवाया। इस पूरे मामले में जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रभाकर ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और दोनों ही कर्मचारियों ने अनुशासनहीनता का काम किया है, जिसके चलते दोनों पर ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुज स्टाफ नर्स द्वारा दी गई प्रार्थना पत्र से संज्ञान में आया है कि ये लोग जो है अव्यवहारिक कार्य किए हैं रात में और ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी कक्ष में, और इनके ऊपर अनुशासनों पर कार्रवाई की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने किस तरह से अस्पताल परिसर के अंदर सरेआम गुंडाई देखने को मिल रही है। फिलहाल जरूरत है कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लिए जाए। फिलहाल ये थी फतेहपुर से हमारे संवाददाता नफीस जाफरी की रिपोर्ट। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लाइव खबर।